वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी सुबह का 10:30 बज रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैंने अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है, यहाँ पे होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो उसके बाद जाऊँगा मैं जहाँ पे मेरा दूसरा होटल है, वहाँ से पहले चेकआउट करूँगा, उनका बिल वगैरह पे करूँगा, फिर वापस आऊँगा ये मेन आइलैंड में और देखते हैं आज का क्या प्लान है। तो अभी हम अंदर हुए हैं, जा रहे हैं हमारा जो मेन होटल है रेबक आइलैंड, वहाँ पे जा रहे हैं, फिर वहाँ से चेकआउट करूँगा, चेकआउट करके फिर वापस इस मेन आइलैंड पे आऊँगा। और आज का एक्टिविटी है, एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है, थोड़ा बहुत एक्सट्रीम है, आप लोगों को दिखाऊँगा कैसा है ये एक्टिविटी। हेलो कैप्टन। हेलो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारा ये रेबक आइलैंड में। तो अभी रेबक आइलैंड से जाके थोड़ा बहुत घूम लूँगा और उसके बाद चेकआउट कर लूँगा सीधा, फिर चेकआउट करके वापस जो लैंड में अपना ट्यूब होटल है उस होटल में जाऊँगा और फिर सोचेंगे क्या एक्टिविटी आज कर सकते हैं। लेकिन जो भी है, ये रेबक आइलैंड मस्त है, यहाँ का जो व्यू है और मतलब इतना काम है, बहुत ही फर्स्ट क्लास प्लेस है। आप इवनिंग को आके यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो, कितने सारे बोट है। अभी हमें लेने के लिए बागी भी आया हुआ है। तो अभी हम ये बागी में बैठे हैं, ये इनका होटल की तरफ से है। जब भी आप आइलैंड पे आते हो तो आपको जेटी से लेके आपके रूम तक, या फिर आपको रेस्टोरेंट में जाना है या फिर आपको रिसेप्शन में जाना है, ये बागी आपको लेके जाएगा। क्योंकि जहाँ पे जेटी है, जेटी से रूम और रेस्टोरेंट और इनका जो रिसेप्शन है ये काफ़ी दूर है। एक्चुअली ये आइलैंड बहुत ही बड़ा है, एक आइलैंड के अंदर भी दूसरा आइलैंड है, बहुत बड़ा है। इनके पास मुझे लगता है 300-400 रूम तो हो, बैडमिंटन कोर्ट, पूल टेबल, सब कुछ है यहाँ पे। जो भी लोग आते हैं यहाँ पे, वो लोग एक्चुअली ज़्यादातर लोग यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर रुक के रिलैक्स करना चाहते हैं। बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल भी है बिल्कुल समुंदर के सामने, तो ज़्यादातर लोगों का यही प्लान है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे ही सारे रिलैक्स करते हैं। रेबक आइलैंड का स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पे इनका स्विमिंग पूल और बिल्कुल सामने ही है समुंदर, तो आप यहाँ पे स्विमिंग करके, समुंदर से स्विमिंग करके फिर यहाँ पे आके स्विमिंग कर सकते हो, और फिर इनके पास आप यहाँ पे बैठ के रिलैक्स भी कर सकते हो आराम से। और आगे उनका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आप खाना भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा प्लेस है रिलैक्स के लिए। चेकआउट इज़ कम्प्लीटेड, अभी जेटी में वापस आ गया और वेट कर रहा हूँ बोट के लिए। जो नेक्स्ट बोट है वो 12:30 को, अभी 12:20 है, तो 10 मिनट यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद बोट आएगा, फिर हम लोग जाएंगे मेन आइलैंड पे। और मेन आइलैंड से उसके बाद हम आज जा रहे हैं लंकावी एडवेंचर पार्क। बैक टू द होटल नंबर 2। तो अभी होटल में जाएंगे, थोड़ा बहुत चेंज वगैरह करके फिर लिखेंगे हमारा जो दूसरा एक्टिविटी है उसके लिए। मिलते हैं।
पाइनएप्पल जूस लिया है। बहुत ही सॉलिड है, बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा है। ओके, वेरी वेरी नाइस। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लंका वी एडवेंचर एंड एक्सट्रीम पार्क में। तो ये हम अभी एंट्रेंस पे है, तो अभी अंदर जा रहे हैं, ये देखते क्या प्रोसीजर है। टिकट तो वैसे भी हमारे पास है, मैंने क्लूक ऑनलाइन पे लिया है। क्लूक एक्चुअली बहुत एक अच्छा ऐप है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर फॉरेन में ट्रैवल करते हो तो क्लूक से कैसे आप आपका ट्रैवल प्लान बना सकते हो और बुकिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत ही सस्ता कंपेयर टू दूसरे जितने सारे ऐप्स वगैरह है। हेलमेट, सो बिफोर यू पकड़ हेलमेट, यू पकड़ शावर कैप दूंगा, काबू कपाले, ओके। कैसे आप ये जो मोमेंट है आप इंजॉय कर सकते हो। तो जो भी है, लोग है या फिर नहीं है, फिर भी हम सब कुछ ट्राई करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे लंकावी में क्या क्या आप कर सकते हो। वैसे भी ये जगह काफ़ी बड़ा है, लगता है ये मतलब एक दो तीन स्टेडियम के जैसा तो होगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे राइड है। लेट्स सी हाउ इट इट इज़। अपसाइड डाउन आर्ट म्यूज़ियम, तो पहला एक्टिविटी हम लोगों का अपसाइड डाउन आर्ट म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो। जो भी फ़ोटो आप खींचोगे ऐसा लगेगा मतलब अपसाइड डाउन करके। मैं कुछ फ़ोटो का शॉट यहाँ नीचे डाल दूँगा, तो आप लोग देख सकते हो ये अपसाइड म्यूज़ियम का आप अगर फ़ोटो खींचोगे तो कैसे होता है। Normal, don't worry. तो अभी हम लोग जा रहे हैं गो कार्ट के लिए, से देखते हैं हाउ इज द एक्सपीरियंस इन गो कार्ट। एक्चुअली मैंने कभी एक गो कार्ट ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने टीवी में बहुत देखा है, देखते हैं आज इसका एक्सपीरियंस कैसे होते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हेलमेट वगैरह पहन के और इनके पास जो ट्रैक रेडी है ये देख के मतलब काफ़ी एक्सट्रीम लग रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा, देखते हैं पहले। Let's go. तो ये मैं मेरा गो कार में बैठा हुआ अभी, ये मेरा कार है, काफ़ी एक्सट्रीम लग रहा है, पता नहीं कैसा होगा, बट इट लुक्स वेरी एक्सट्रीम। वाह, दिस गो कार्ट, आई मस्ट से ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था।
मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने 3-4 राउंड लगा लिया, बहुत ही अच्छा था और आई रियली रियली इन्जॉय। अगर आप लंकावी में आते हो देन यू शुड कम द लंकावी एडवेंचर एंड एक्सट्रीम पार्क। दिस इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, यू विल रियली इन्जॉय वेरी वेरी मच। दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, आई रियली लव इट। वी आर एट द हॉर्स फार्म, तो यहाँ पे इनके पास काफ़ी सारा हॉर्स है, 6-7 हॉर्स होगा, तो आप हॉर्स को खाना खिला सकते हो, हॉर्स के साथ थोड़ा प्ले भी कर सकते हो। दे आर रियली वेरी नाइस, सी बहुत ही अच्छा हॉर्स है, सी सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, सो कम। This one 9. This one or 10. खत्म हो चुका है। तो ये भैया बहुत ही अच्छा राइड दिलाया हमें, मतलब मस्त था, बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब जो एडवेंचर होता है तो एडवेंचर ऐसे ही होना चाहिए। तो अभी एटीवी का ख़त्म है, तो अभी हम जाएंगे बाईसाइकिलिंग के लिए। जो बाईसाइकिल है ये एक रोप लगा हुआ है यहाँ से इस तरफ से लेकर उस तरफ, तो उस रोप के ऊपर से मुझे लगता है बाईसाइकिल चलाना पड़ेगा। तो ये और ज़्यादा एक्सट्रीम है, पता नहीं है मैं कर पाऊँगा नहीं। तो ये और एक भैया है बारमा से, तो बारमा से भैया है, तो ये 200 मीटर का दूरिया है साइकिल का इस तरफ से लेकर उस तरफ। ये भैया बहुत ही अच्छा हिंदी बोलता है, अच्छा लग गया, कोई यहाँ पे मिल गया अपना बोलने वाला आदमी है। ये मेरा यूट्यूब है, आप हाय बोल दो। चल इधर का अरेंजमेंट, सो ही इज द पर्सन हु अरेंज एवरीथिंग हियर, ही इज अ रियली गुड गाय। तो अभी हम जाएंगे साइकिलिंग की तरफ एंड लेट्स सी हाउ द साइकिलिंग इज गो। तो ये ऊपर चढ़ना पड़ता है ये साइकिलिंग के लिए, तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो हमें यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचना है। इतना ऊपर चढ़ाई में भी मुझे डर लग रहा है देख के, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, काफ़ी ऊपर है ये, ऊपर से पूरा व्यू है। ये साइकिल है, सॉरी, तो हमें जाना है वहां तक, यहां से लेके वहां तक हमें पहुंचना है। वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी फ्रॉम हेयर टू, वी हैव टू गो देयर, फिर उससे वापस फिर हमें यहाँ पे आना है। लेट्स स्टार्ट दिस। लाइफ में ट्रैवल का एक ही मज़ा है, जो है आप बहुत कुछ कर सकते हो जो नॉर्मली बिना ट्रैवल का आप नहीं कर सकते हो। ये जो एक तरीका है लाइफ को जीने का, आई कान टेल यू हाउ नाइस इट इज़, ये बहुत ही अच्छा है। आप हर एक दिन नया नया कुछ ट्राई कर सकते हो और आपको दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, एक्सपीरियंस लाइफ के बारे में और बहुत ज़्यादा चलते हैं। अभी आप देखो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा दिल इतना धड़क रहा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना मेरा दिल धड़क रहा है। अभी ये सिचुएशन आप देखो, यू सी माई सिचुएशन हियर, माई हार्ट बीट, मेरा हार्ट बीट इतना धड़क रहा है, लेकिन सेम टाइम मज़ा भी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हो और ब्लॉगिंग कर रहे हो, बहुत ही अच्छा फीलिंग है। तो आप लोगों से किसी ने ऐसा साइकिलिंग और ऐसा कोई एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ अभी तक किया क्या, नहीं किया और करना चाहते हो, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ आपको ये साइकिलिंग करना है या फिर आपने कभी किया है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और अगर
आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मेरा एक सपना है मैं दुनिया घूमूँ, और अभी YouTube के जरिए से यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड वी ऑल कैन इन्जॉय द मोमेंट अराउंड द वर्ल्ड टुगेदर. नाउ लेट्स गो, फोकस ऑन द साइकिलिंग बिकॉज नाउ इट सीन्स लाइक इट द एंड पॉइंट ए बिट टफ हियर.